हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव ऑटो सेंटर। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है हीरो मैस्ट्रो स्कूटर और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसकी टाइमिंग चैन की सेटिंग की कैसे इसके इंजन में इसके टाइमिंग प्लेट को लगाया जा सकता है या इसकी कैम पर इसकी टाइमिंग चैन को एडजस्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हीरो मैस्ट्रो की टाइमिंग प्लेट है। टाइमिंग प्लेट को हमें कैम के ऊपर की साइड लगाना होता है और कैम को बिल्कुल सीधे हमें रखना होता है। ये वाला हिस्सा हमें ऊपर की साइड रखना होगा और इसकी टाइमिंग प्लेट को हमें यहाँ पर लगाना होगा। टाइमिंग प्लेट को लगाने के लिए सबसे पहले इसके मैग्नेट को हमें टॉप पर लाना होगा, उसके बाद हम टाइमिंग प्लेट को लगाने का तरीका आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका मैग्नेट है। मैग्नेट पर अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर टी का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टी का निशान सामने इंजन पर एक निशान दिया गया है, इस निशान के बिल्कुल ठीक सामने हमें इसे रखना होता है और इसके बाद इसकी टाइमिंग चैन की हमें सेटिंग करनी होगी। जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी टाइमिंग प्लेट है। टाइमिंग प्लेट को हमें कैम के ऊपर की साइड एडजस्ट करना होगा। इस पर 1 और 2 लिखा हुआ है। 1 को हमें ऐसे करके नहीं लगाना होता क्योंकि यहाँ पर ये 1 इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमें बिल्कुल सीधे इसे लगाना होगा ताकि 1 सीधा आपको लिखा हुआ दिखाई दे और 2 की यानी कि 2 इसका नीचे की साइड रहेगा और 1 इसका ऊपर की साइड रहेगा। तो चलिए इस प्लेट को टाइमिंग चैन पर हम लगाते हैं। ये देखिए, प्लेट इसकी टाइमिंग चैन पर आ चुकी है। इसके बाद इस प्लेट को हमें बिल्कुल सीधा रखना होता है। ये देखिए, यहाँ पर इसका टाइमिंग बिल्कुल ठीक आ चुका है। 1 और 2 बिल्कुल आमने सामने है। इसके बाद इसके बोल्टों को हमें लगाना होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी टाइमिंग प्लेट के बोल्ट दे गए हैं। दोनों बोल्टों को हमें यहाँ पर लगाना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये देखिए, दोनों बोल्टों की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से हमें इसके दोनों बोल्टों को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। ये देखिए, दोनों बोल्ट इसके काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुके हैं। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका टाइमिंग का पंप दिया गया है। इसकी सहायता से इसकी टाइमिंग चैन को हमें टाइट करना होगा। टाइमिंग चैन को टाइट करने के लिए इसके अंदर की साइड पिन पेंचकस का हमें यूज़ करना होता है। ये देखिए, पिन पेंचकस की सहायता से इसकी टाइमिंग चैन को हमें टाइट करना होगा। पंप के अंदर की साइड इसका पेंच दिया होता है। देखिए कि हमें उल्टा घुमाना होता है और इसकी टाइमिंग चैन काफ़ी अच्छी तरीके से हमें टाइट करनी होगी। ये देखिए दोस्तों, इसकी टाइमिंग चैन काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुकी है। दोस्तों, जो हीरो मैस्ट्रो स्कूटर के टाइमिंग चैन की सेटिंग की फिटिंग का वीडियो था कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।